हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ह्यूमन सेंस। दिस लेसन कवर्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट वायरसेस एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी वर्षा खारी। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वायरसेस होते क्या हैं। वायरसेस एक्चुअली सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में रहते हुए अपने आप को रेप्लीकेट करने की क्षमता रखते हैं। वायरसेस सभी टाइप के लाइफ फॉर्म्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड आर्के। हमारे एनवायरनमेंट में मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ वायरसेस पाए जाते हैं और इसीलिए दिस इज द मोस्ट न्यूमरस टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एंटिटी। आउट ऑफ दीज मिलियंस ऑफ टाइप्स 5,000 वायरसेज हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन डिटेल। बात कर लेते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। ऐसा माना जाता है कि सेवरल थाउजेंड ईयर्स अगो China was the country who developed first vaccination against a disease, that was smallpox. In 1717, Lady Mary Wortley Montagu ने smallpox के लिए एक vaccine develop किया. Finally, 1796 में Edward Jenner developed a safe method against smallpox, जिसमें उन्होंने cowpox का इस्तेमाल किया था. ये method काफी ज़्यादा adopt किया गया था. In 1886, Louis Pasteur developed a vaccination for rabies. यहाँ मैं आपको बता दूँ, rabies भी एक वायरस से ही फैलता है। अब बात हो रही है वायरसेस की, तो मैं यहाँ पर दो नाम अलग से मेंशन करना चाहूँगी। One is Dmitry Ivanovsky, who was a Russian biologist, and the other one is Martinus Beijerinck. इन्हीं दोनों को क्रेडिट किया जाता है for the discovery of virus. 1892 में Dmitry Ivanovsky, जो एक रशियन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने टोबैको मोजाइक डिसीज को स्टडी किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में पाया कि फिल्ट्रेशन के बाद भी लीफ एक्सट्रैक्ट इन्फेक्टेड ही रहता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, उस समय में इट वॉज थॉट दैट ऑल द इन्फेक्शियस एजेंट्स कुड बी रिटेन्ड बाय फिल्टर्स, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। फिल्टर के थ्रू भी एक इन्फेक्शियस मटीरियल पास ऑन हो गया था। इवानोस्की ने उस मटीरियल को टॉक्सिन का नाम दिया। उन्हीं के काम को आगे बढ़ाते हुए मार्टिनस ने ये पाया कि वो इन्फेक्शियस एजेंट जो फिल्टरेबल था वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता था। मार्टिनस ने उसे कॉन्टेजियम विविम फ्लूडम का नाम दिया था एंड नॉट कॉन्टेजियम फिक्सिम, जो बैक्टीरिया के केस में होता है। कॉन्टेजियम फिक्सिम बोलने का मतलब है कि दैट वाज नॉट फिल्टरेबल, जो फिल्टर के ऊपर ही रह जाए। 20th century में एक इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम फ्रेडरिक ट्रॉट था, बैक्टीरियोफेज यानी कि बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस की खोज की। 1918 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी की अटेंशन को ग्रैब किया। डेफिनेटली आप लोगों ने स्पैनिश फ्लू के बारे में जरूर सुना होगा, जो 1918 से लेकर के 1920 के बीच में पूरी दुनिया में फैला। लेट 1918 में ये पाया गया कि एक फिल्टर पासिंग वायरस कुड ट्रांसमिट द डिसीज टू पीपल एंड एनिमल्स। अभी तक भी किसी ने वायरस की कोई डायरेक्ट इमेज नहीं देखी थी, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी के बाद ही पॉसिबल हो पाया। द फर्स्ट इमेज ऑफ वायरस वॉज ऑब्टेन्ड अपॉन द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इन 1931 बाय जर्मन इंजीनियर अर्नेस्ट रस्का एंड मैक्स नोल। 1935 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट वेंडल मेरेडिथ स्टैनली ने टोबैको मोजाइक वायरस को फिर से एग्जामिन किया और उन्होंने ये पाया कि वो मोस्टली प्रोटीन से बना था। थोड़े ही समय बाद उस वायरस में प्रोटीन और आरएनए पार्ट्स को सेपरेट भी किया गया। आगे बढ़ते हैं, वायरसेस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस जब किसी इन्फेक्टेड सेल के अंदर नहीं होता तो उसमें तीन तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। नंबर वन इज जेनेटिक मटीरियल, नंबर टू इज प्रोटीन कोट, एंड नंबर थ्री इज एन एनवलोप। जेनेटिक मटीरियल यूजली लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए या आरएनए होते हैं। प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहा जाता है, इट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल। और नंबर थ्री पे जो आता है ऑनवलोप, वो हमेशा प्रेजेंट नहीं होता। द वायरसेज विद ऑनवलोप आर कॉल्ड ऑनवलोप्ड वायरसेज एंड रेस्ट ऑफ द वायरसेज आर कॉल्ड नेकेड वायरसेज। बात कर लेते हैं साइज की। वायरस पार्टिकल्स आर अबाउट 1/1000th of an inch, यानी 17 से लेकर 1000 नैनोमीटर्स तक उनकी लेंथ हो सकती है। ज्यादातर वायरसेस छोटे ही होते हैं, लेकिन कुछ जो जायंट वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया के साइज के हो सकते हैं। इनकी डिस्कवरी 2003 में ही हुई थी। आगे बढ़ते हैं। वायरसेस डज नॉट शो सम ऑफ द
लाइफ रिप्रेजेंटिंग फीचर्स, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है सेल स्ट्रक्चर। पर क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, ये खुद को रिप्रोड्यूस कर सकता है और नेचुरल सेलेक्शन के थ्रू ही इवॉल्व कर सकता है, इसीलिए इन्हें डिस्क्राइब किया गया है एज ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ लाइफ। दिस इज नोटवर्दी। मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट स्प्रेड ऑफ वायरसेस। अगर बात करें प्लांट टू प्लांट स्प्रेड की, तो ये मोस्टली इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। द इंसेक्ट दैट फीड ऑन प्लांट सैप आर मोस्टली द कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ वायरसेस इन प्लांट्स। सैप, मैं आपको बता दूं, वो फ्लूइड होता है प्लांट का जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। एनिमल्स की बात करें, सबसे पहली वजह विच नीड्स मेंशन इज थ्रू ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स। इसके एग्जाम्पल डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया एंड जीका आप नोट कर सकते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरसेस कफिंग और स्नीजिंग से फैलते हैं। नोरो वायरस और रोटा वायरस जो डायरिया कॉज करते हैं, फीकल या ओरल रूट के थ्रू ही फैलते हैं। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं। आगे बढ़ते हैं इस लेसन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यानी कि किस तरह से वायरस किसी होस्ट बॉडी को एंटर करता है, इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, वायरस ट्रांसमिट हो सकता है नोज, माउथ या ब्रेक्स इन स्किन के थ्रू। वंस इनसाइड, ये कोई होस्ट सेल ढूंढते हैं और उसे इन्फेक्ट करना शुरू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। कोल्ड और फ्लू वायरस जो है वो आपके रेस्पिरेटरी या डाइजेस्टिव ट्रैक को अटैक करते हैं। उसी तरह से एचआईवी जो एड्स कॉज करता है, वो इम्यून सिस्टम के टी सेल्स को अटैक करता है। नाउ प्रोसेस देख लेते हैं, किस तरह से वायरस किसी होस्ट सेल में अंदर जाकर अपने आप को रेप्लिकेट करता है। मोटा मोटा तौर पर यहाँ पर है, थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले वायरस पार्टिकल अपने आप को होस्ट सेल के साथ अटैच करता है, फिर वो अपने जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को होस्ट सेल में रिलीज करता है। ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होस्ट सेल के एंजाइम को रिक्रूट करता है, सो दैट ये एंजाइम उसकी मदद कर सके नए वायरस पार्टिकल्स बनाने में। नए वायरस पार्टिकल्स अपने आप को असेंबल करके नया वायरस बनाते हैं और अपने आप को होस्ट सेल से अलग कर लेते हैं। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। वंस इनसाइड द सेल, वायरल एंजाइम्स, दिस इज अ मिस्टेक गाइस, वायरल पार्टिकल सेल के एंजाइम यानी कि केमिकल मशीनरी को टेक ओवर करते हैं और अपनी ही कॉपीज बनाने का ऑर्डर देते हैं। अब एंजाइम का काम होगा जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कॉपी करना और नए वायरल प्रोटीन को बनाना। ये नई कॉपी नए प्रोटीन कोट्स में पैकेज हो जाती है। जैसे ही नए वायरस बनते हैं, दे लीव द होस्ट सेल। दो तरीके से होस्ट सेल को छोड़ सकते हैं। नंबर वन इज लाइसिस, जिसमें वायरस ब्रेक द सेल ओपन एंड डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल। दूसरा प्रोसेस कुछ बडिंग की तरह होता है, जिसमें द वायरस पिंच आउट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस में होस्ट सेल डिस्ट्रॉय नहीं होता। अब बात कर लेते हैं मेडिसिन जो वायरस को बीट कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, या जितनी भी जानकारी अब तक हमारे पास मेडिसिन के बारे में है वो क्या है। पॉपुलर बिलीफ एक होता है कि एंटीबायोटिक्स कैन फाइट द वायरसेस, बट दैट्स नॉट ट्रू गाइस। एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन अ वायरस। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन को रोकने के काम आती हैं। वायरस को रोकने का सबसे प्रेविलेंट तरीका इम्यूनाइजेशन को माना जाता है, जिसमें बॉडी सही तरह के एंटीबॉडीज बनाकर वायरस के रिप्रोडक्शन को रोक सकती है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो नोटवर्दी है वो ये है कि हर कुछ समय बाद वायरसेस अपने जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें वैक्सीनेशन को भी समय के अनुसार मॉडिफाई करने की जरूरत होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वायरस तेजी से अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ स्लाइट चेंजेस उनके स्ट्रक्चर्स में, उनके जेनेटिक इंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं, और इन्हीं चेंजेस के अनुसार प्रोटीन कोट भी अपने आप को थोड़ा बहुत बदल लेता है। तो इसीलिए जरूरी है कि वैक्सीन को भी मॉडिफाई किया जाए ताकि पेंडेमिक आउटब्रेक्स को रोका जा सके। गाइज, दिस एंड्स आवर लेक्चर। अगर ये लेसन किसी भी तरह आपके काम आता है तो डू शेयर इट, लाइक इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ह्यूमन सेंस। थैंक यू सो मच।